तो आज 1 मिनट में आपको दो रेसिपी बताता है, एक तो कंडेंस मिल्क कैसे बनता है वो बताता है, और दूसरा कंडेंस मिल्क से नींबू का शरबत कैसे बनता है वो भी बताता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, 3 कप गाढ़ा गाढ़ा दूध लेने का, गाय का, भैंस का, ऊंट का, बकरी का, किसी का भी चलेगा। अभी क्या ये दूध जैसे उथल पुथल होगा ना, अभी इसमें 1 कप चीनी डालने का, फिर इसको ऐसा पकाने का 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 ऐसा पकाने का ना, तब तक पकाने का जब तक इसका 60% भाप बन के उड़ नहीं जाता। अयो मतलब ये ऐसा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसको पूरा ठंडा करके देखो, मेजरमेंट के हिसाब से 3 कप दूध लिया ना तो 1.5 कप कंडेंस मिल्क मिलता है। अभी इसको फ्रिज में 2 घंटा रखेगा ना तो ये बहुत मस्त हो जाएगा, एकदम मार्केट से भी अच्छा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा देखो ऐसा। और सच्ची बता रहे इसका टेस्ट इतना अच्छा है ना, मतलब आहा, बचपन की याद आ जाता है। अभी देखो मैं एक ब्राजीलियन लेमनेट बनाएगा, इसके लिए 3 नींबू को घिसने का, इसका छिलका निकाल के बीज निकालने का और मिक्सी के जार में डालने का, 3 नींबू मतलब 3 कप पानी, और फिर घिसेला नींबू का छिलका डाल के इसको ब्लेंड करने का, अच्छे से छानने का और फिर से जार में डालने का, और फिर इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क डालने का और अच्छे से ब्लेंड करने का, इतना अच्छा टेस्ट लगेगा ना। अरे कोई नहीं, ट्राई करके देखो।